की शुरुआत करें। इससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोयल के घर चोरी, दिल्ली में पकड़ा गया चोर। देखे बीएसपी नेता वीरेंद्र मार के मर्डर का खौफनाक वीडियो। बीजेपी की चौथी लिस्ट, खड़से की बेटी को टिकट, तावड़े और मेहता का पत्ता कट। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल का आखिरी दिन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर चोरी हो गई। गोयल के मुंबई वाले घर में चोरी तो खैर पिछले महीने हुई थी, लेकिन दिल्ली में आरोपी की गिरफ्तारी से इसका खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक चोर मंत्री के घर काम करने वाला युवक ही था। आरोपी के पास से अहम सरकारी दस्तावेज मिले हैं। गोपनीय जानकारी लीक करने का शक। आरोपी के मोबाइल से रेलवे और वाणिज्य मंत्रालय संबंधित दस्तावेज बरामद। 3 ईमेल आईडी पर आरोपी ने भेजे थे दस्तावेज। शक है कि गोपनीय दस्तावेज को लीक कर रहा था आरोपी। 8 सितंबर को दिल्ली के नरेला में बीएसपी नेता वीरेंद्र मान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें लगातार 26 गोली मारी गई। 25 दिन बाद हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में खौफनाक वारदात कैद है। इस मामले में दिल्ली पुलिस को मोस्ट वांटेड जितेंद्र गोगी की तलाश है। इस गैंगस्टर पर 5 लाख का इनाम है, पर 1 महीने बाद भी मास्टरमाइंड आजाद है। देश की नंबर 1 पुलिस यानी दिल्ली पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े और प्रकाश मेहता का नाम नहीं है। नामांकन से पहले गडकरी से मिलने पहुंचे फडणवीस पत्नी अमृता के साथ। देवेंद्र फडणवीस अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो निकालेंगे। इस दौरान राज्य भाजपा के कई नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से भरेंगे पर्चा। शाम को बीजेपी शिवसेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।